क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.3 फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 0 और 50 के बिटवीन में ऑड नंबर कौन से हैं जो 2 से डिवाइड ना होते हैं 1, 3, 5 और लास्ट नंबर क्या होगा 49 ए फर्स्ट टर्म 1 डी 3-1, 2 एल लास्ट टर्म क्या है 49 जिसको हम एन भी कह सकते हैं एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 49 ए और डी की वैल्यू पुट कर दी 1 और 2 को एन और माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 2n-2 इक्वल टू 49 1 और माइनस टू माइनस वन प्लस 2n इक्वल टू 49 2n इक्वल टू 49 प्लस 150 एन इज इक्वल टू 50/2 25 तो 1 से लेके 49 तक नंबर ऑफ टर्म तो होगी 25 जो 25 ऑड नंबर्स हैं अब हमको इनका सम फाइंड करना है SN फार्मूला n/2 × a + l भी लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म 49 गिवन है n नंबर ऑफ टर्म 25 है n की जगह 25 पुट करेंगे s 25 इक्वल टू 25/2 × a की जगह 1 l की जगह 49 दोनों को ऐड कर दो 50 और 2 को डिवाइड करो 25 × 25 = 625 ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 ए कॉन्ट्रैक्टर हैव टू गिव पेनल्टी फॉर फर्स्ट डेज ₹200 एक कॉन्ट्रैक्टर को ₹200 की पेनल्टी फर्स्ट डे में देनी पड़ती है अगर 2 days वर्क डिले हो जाता है यानी कि जो उसने जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है अगर 2 दिन की पेनल्टी हो गई उसकी 250 फर्स्ट डे देनी पड़ेगी 200 सेकंड डे पे उसको 250 और देने पड़ेंगे थर्ड डे को ₹300 और देने पड़ेंगे तो इस प्रकार से उसने अपना वर्क को 30 days डिले कर दिया यानी कि नंबर ऑफ डेज 30 तो 30 दिन में उसकी टोटल पेनल्टी क्या होगी टोटल पेनल्टी फॉर 30 days यानी कि हमको SN निकालना है तो ए फर्स्ट टर्म क्या है 200 डी ए 2-1 250-200 डी हो गया 50 अब हमको टोटल पेनल्टी फॉर 30 days निकालनी है जिसको हम SN कहेंगे SN इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d एन की जगह 30 क्योंकि नंबर ऑफ डेज 30 है n/2 30/2 2a 2 × 200 एन की जगह 30-1 × d d की जगह 50 200 × 2 400 30-1 29 × 50 पहले दोनों के मल्टीप्लाई करो 1450 में 400 ऐड कर दो 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो 27750 ये होगी टोटल पेनल्टी 27750 अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल मनी है हमारे पास ₹700 यानी कि ये हो गया सम ऑफ एंड टर्म क्योंकि ये टोटल मनी है इस 700 में से हमको 7 कैश प्राइजेस देने हैं एंड ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज हर एक प्राइज पिछले प्राइस से ₹20 कम है लेट फर्स्ट प्राइज ए मान लेते हैं सेकंड प्राइज होगा a-20 और थर्ड होगा a-40 बीच 20-20 हम कम करते जाएंगे तो n तो 7 कैश प्राइजेज हैं तो नंबर ऑफ प्राइजेज n इक्वल टू 7 तो इसमें a क्या है a फर्स्ट टर्म तो a ही है a है और d कॉमन डिफरेंस a2-a1 ए टू है इसमें a-20 - a1 है a प्लस a-a कैंसिल इच अदर d आ गया -20 तो ये जो टोटल मनी है हमारे पास 700 ये SN है फार्मूला n/2 2a + n-1 × d = 700 n/2 7/2 2a + n-1 7-1 × d = -20 = 700 ये जो 7/2 है जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 और ये 200 हो जाएगा और उसके बाद इस बिग ब्रैकेट में ये 2a लिखेंगे 6-7-1 6 × -20 -120 = 200 तो 2a इक्वल टू क्या होगा ये -120 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा +120 ये हो गया 320 a इज इक्वल टू 320/2 a हो गया 160 तो a फर्स्ट प्राइस था तो हमको निकालने हैं 7 प्राइजेस तो फर्स्ट प्राइस हो गया ₹160 अब सेकंड प्राइस जो है पिछले से 20 कम होगा 140
140 में से 20 माइनस कर दो 120 थर्ड प्राइज, 120 में से 20 माइनस कर दो 100 फोर्थ प्राइज, 80 फिफ्थ प्राइज, 20 कम करते जाओ सिक्स्थ प्राइज 60 और सेवन्थ प्राइज 40। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास वन, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास वन कितने हैं? 1+1+1। ये 1+1+1 कैसे आया? क्योंकि हर एक सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ते हैं, तो हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। अब क्लास वन में 3 सेक्शन हैं और क्लास भी उनकी फर्स्ट है, तो वो 1+1+1 3 प्लांट लगाएंगे, तो इसको हम ए फर्स्ट टर्म कहेंगे। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड क्लास, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, तो क्लास सेकंड है तो वो 2-2 प्लांट लगाएंगे, 2+2+2 ये हो गया 6 प्लांट, इसको हम ए टू सेकंड टर्म कहेंगे। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास, तो हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, क्लास थर्ड है तो 3+3+3 यानी कि जौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं उतने ही वो प्लांट लगाएंगे, 9 प्लांट लगाएंगे, ए थर्ड हो गया। तो सभी क्लासों को हम नहीं लिखेंगे, बीच में डैश 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 लगा के हम लिख देंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास वाले कितने प्लांट लगाएंगे? 12+12+12 36 प्लांट, इसको हम लास्ट टर्म कहेंगे क्योंकि लास्ट क्लास है ये एल, इसको एल कहेंगे, एल को ए एन भी कह सकते हैं, एनथ टर्म, तो एल हो गया 36। अब हमको फाइंड करना है ये जो क्लास वन से ट्वेल्व तक बच्चों ने जो प्लांट्स लगाए हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज उन्होंने कितने लगाए, तो हमको सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो ए और डी आपको पता चल गया होगा, ए 3, डी 6 में से 3 माइनस कर देंगे 3, एल लास्ट टर्म 36, तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला, तो ये अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज एस एन, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एन की वैल्यू 12 क्लासेस थी फर्स्ट से 12 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स 12 बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म 3 हमारी 3 प्लस एल लास्ट टर्म है 36, दोनों को ऐड कर दिया 39, 6 की 39 से मल्टीप्लाई 234। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये स्पाइरल देख रहे हैं हम, जो ये फर्स्ट स्पाइरल है जिस पर L1 लिखा है, ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल है, इसका रेडियस है R1 0.5, सेंटर है A, और ये जो दूसरा सेमी सर्कल है जिस पर L2 लिखा है, ये भी एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस है R2 1 सेंटीमीटर और इसका सेंटर B है। अब जो थर्ड सेमी सर्कल है जिसका जहाँ L3 लिख रखा है, इसका सेंटर A होगा और रेडियस होगा 1.5 एंड सो ऑन। इस प्रकार से 13 सेमी सर्कल है, यानी कि जो नेक्स्ट रेडियस होगा वो पिछले रेडियस से 0.5 ज़्यादा होगा। तो अब हमको फाइंड करना है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल सेमी सर्कल, ये जो स्पाइरल है इसमें 13 सेमी सर्कल की टोटल लेंथ क्या होगी। तो अब पहले L1 निकालेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, आधे सर्कल की πr, तो फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस को हमने R1 माना था, तो फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ होगी πr1, पाई इंटू 0.5 पाई की जगह भी पाई लिखा है, बाद में हम लिख लेंगे 22/7। L2 लेंथ ऑफ सेमी सर्कल πr2 वन है, पाई इंटू 1 पाई सेंटीमीटर। L3 लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल πr3 1.5 पाई। तो इसमें ये जो 0.5 पाई है ये है A फर्स्ट टर्म, D a2 - a1, a2 हो गया 1 पाई और 1 पाई - 0.5 पाई, D हो गया 0.5 पाई। एन कितने सेमी सर्कल हैं? नंबर ऑफ सेमी सर्कल 13 है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल सेमी सर्कल निकालना है, फार्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह 13/2 2a, a की जगह 0.5 पाई, n - 1 13 - 1 × d, d की जगह 0.5 पाई, 13/2 को 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करो 1.0 पाई, 3 में से 1 गया 2 को 13 में से बन गया 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 6.0 पाई, 13/2 6.0 पाई में 1.0 पाई ऐड करो 7 पाई, 13/2 × 7 पाई की जगह लिख दो 22/7, 7 से 7 कट गया
22 और 2 को काट दो 11, 11 के 13 से मल्टीप्लाई 143 सेंटीमीटर, यह आ गई सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल सेमी सर्कल्स।